और ये बेचारा आद भाई सदमे से निडाल बैठे हुए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी बज रहे हैं, टाइम हो गया तकरीबन शाम के ना बज रहे हैं तकरीबन 5:15 हो गए। तो आज फिर सारी दिन ना जो व्लॉग ही नहीं किया, तो दिल ही नहीं करता, समझ नहीं आ रही कि क्या व्लॉग करूँ, कहाँ से व्लॉग मैं स्टार्ट करूँ, क्योंकि रूटीन जो है ना डेली रूटीन बहुत सारी बहुत ज़्यादा बोरिंग सी चल रही है, तो जिसकी वजह से मैं आपको भी बोर ज़्यादा करना नहीं चाह रहा और मुझे रोज़ रोज़ वीडियो भी लेकर आनी है। तो उसी कशमकश में मैं लगा रहता हूँ और सोचता रहता हूँ कि क्या लाऊँ, क्या 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 लाऊँ जो आपको अच्छा लगे। तो बस डेली रूटीन है, तो अगर आपको कोई वीडियो अच्छी नहीं लगी तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट कीजिए, सब्र कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। इंशाल्लाह ताला अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं, इंशाल्लाह आएंगी और आती रहेंगी इंशाल्लाह ताला। बीच बीच में बोरिंग वीडियोज़ आ भी जाती है क्योंकि लाइफ ऊपर नीचे चलती रहती है, बोरिंग हो जाती है, कभी एक्साइटमेंट हो जाती है, कभी बंदा खुद डिमोटिवेटेड हो जाता है, तो बहुत सारे इशूज़ हैं ना वो चलते रहते हैं। तो कल मैंने रूम की दोबारा सफाई की थी, तो पिछले व्लॉग में जो आपने देखे तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है डस्ट थोड़ी सी चढ़ गई है, तो मुझे ना नजला जुकाम सा थोड़ा सा हो गया, हो रहा है अभी ठीक है। तो आज बादल आ गए थे अचानक, तो बारिश हुई थी, तो मौसम काफ़ी ज़रा खुशगवार हुआ, तो अभी दोबारा ना बादल फिर आ गए, बादल एक मरतबा चले गए थे, अभी दोबारा आ गए, अभी आपको दिखाता हूँ। अभी मैं आ गया हूँ छत पे, तो आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा कितना ज़्यादा काला बादल है, मौसम जो है वो काफ़ी ज़रा खुशगवार हुआ। तो आज मेरा दिल कर रहा था कि आज जाएँ खेतों में और वहाँ पे पकौड़े वगैरह बनाए हैं, चाय वगैरह बना के पिए, लेकिन जो फ्रेंड है ना उनका प्रोग्राम नहीं बना, तो इस वजह से आज कहीं भी नहीं जा रही। लेकिन आज मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था ये काम करने को, लेकिन आज मेरा ख्याल है मुश्किल है कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि फ्रेंड जो है बिजी है। गाइस बता रोज़ रोज़ मोटिवेट नहीं होता, और रोज़ रोज़ वीडियो डालने के लिए मोटिवेटेड होना लाजमी होता है, तो वो मोटिवेशन मुझे कहाँ से मिलती है, जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो फिर मैं थोड़ा सा मोटिवेट होता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट डे उठ के तो नई वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। बस आप इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और अपनी सपोर्ट दिखाते रहें, इंशाल्लाह ताला आहिस्ता 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 करके कंटेंट भी बेहतर से बेहतर इंशाल्लाह करते रहेंगे। बस थोड़ा सा ना वो कहते हैं बजट इशू आता है, जिसकी वजह से कंटेंट भी मुझे घर में बनाना पड़ता है, तो बस ये आपकी सपोर्ट होगी, जितनी सपोर्ट आप ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा बजट इशू जो बजट है वो भी बढ़ता जाएगा आपकी सपोर्ट के साथ। जब बजट बढ़ेगा तो फिर इंशाल्लाह कंटेंट भी आप देखेंगे, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आते रहेंगे। मौसम इतना प्यारा हो रहा है, घर पैर बैठ के पागल होना, तो बाहर निकलते हैं, बच्चों का यहाँ पे मैच वगैरह होता है वही देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो बच्चे जो है यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं। अहमद भाई मुबारक हो, मुबारक हो तेरे, कोई खिलाई पिला दे, कोई खिला पिला, देखो खाना हाल रुक गया तेरा, पता करता इंशाल्लाह तारा। अभी हम जा रहे हैं गाड़ी में, तो ये हमारे अहमद भाई हैं, तो आपने मेरे एक व्लॉग में देखे होंगे, तो इन्होंने माशाल्लाह न्यू कार ली है, तो इसी की जो है टेस्ट राइड लेने के लिए जा रहे हैं अभी। मेरा तवा लग रहा अभी, गाड़ी माशाल्लाह काफी ज्यादा यार, ये माशाल्लाह काम कराया था कोई लेके खेत? हां जी, इन्हें लेके वैसे थे ऑलमोस्ट सेट ही थी, हम पर फिर भी थोड़ा थोड़ा किते टचिंग होने वाली थी वो, चलो मारी मोटी कराई है, बाकी मेजर कुछ नहीं करवाया, मैकेनिकली फिट थी, मैकेनिकली फिट है, बस ओदी अपीयरेंस जेड़ी है ओदे लिए थोड़ा बहुत आगे थे आगे पीछे सही से, वो तो कोई नहीं, नट नहीं हैगा, नहीं हैगा, बस चलो कोई नहीं, माशाल्लाह बहुत प्यारी गाड़ी। मेरा भी टाइम हो रहा है तकरीबन 7:30 हो रहे हैं, तो अभी पता चला कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का फाइनल मैच जो है एशिया कप का वो हो रहा है, तो अभी मैं स्कोर देख लूँ, स्कोर क्या चल रहा है। पाकिस्तान ने टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला किया था, तो श्रीलंका जो है वो बैटिंग कर रहा है, 2.6 ओवर में 3.2 ओवर में 23 रन है और 2 आउट हो गए हैं भाई, 2 आउट हो गए, 3 ओवर में 2 आउट हो गए और 23 रन पड़ा हुआ है। अभी मैच चल रहा है तो 5 आउट हो गए हैं श्रीलंका के, तो अभी 13 या 14 ओवर हो गए, तो अभी मार पड़ना स्टार्ट हुई है, तो देखते हैं क्या बनता है, कितना मलिक साहब भी आ गए, तो मलिक साहब कितना स्कोर हो जाएगा, 160। अच्छा मैं प्रेडिक्शन करूँ, स्कोर होगा 130 के करीब,
ਆਹ ਤੇਰੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਦੇ ਨਾ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 114 15 ਤੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੇ ਪਏ ਆ ਹਾਂ 107 107 ਹੋ ਗਿਆ 104 5 ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 150 160 ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਲੇ 130 ਹੋ ਗਏ अच्छा मैच कौन जीतेगा ये अभी बाद में करेंगे अभी सिर्फ छोटी छोटी प्रेडिक्शन है वो करते रहेंगे कैच उड़ चुका है अभी कैच उड़ गया स्कोर चला गया 145 मतलब कि मलक साहब की प्रेडिक्शन जो है वो ठीक हो जाएगी है मलक साहब की प्रेडिक्शन भी गलत साबित मेरी भी गलत साबित 160 बार मलक साहब ने कहा था 170 हो गई है तो अभी देखते हैं पाकिस्तान कितना स्कोर कर सकेगा मैं कह रहा हूँ कि तीसरी बॉल में आउट है तीसरी बॉल में आउट होगा मैच जो है स्टार्ट हो गया पहली बॉल जो है वो वाइड चली गई मेरे ख्याल में या हिट नहीं हुई या वाइड चली गई तो अभी देखते हैं कितनी बॉल तीसरी बॉल में मैंने बताया था आउट होगा अभी देखते हैं कि कितनी बॉल हो गई है बॉल हो गई है दो हो गई है अच्छा बॉल कोई भी नहीं है दो स्कोर हो गया अच्छा तीसरी बॉल पे आउट होगा अभी देखते हैं क्या बनता है फर्स्ट बॉल फ्री हिट मिली हुई है साथ ओ ये भी वाइड 30 स्कोर हो गया 30 स्कोर अभी देते हैं बॉल फ्री हिट बॉल और फिर वाइड और चौका होप करते हैं अब जो बॉल है सीधी चली जाएगी और वाइड वाइड नहीं नहीं वाइड नहीं वाइड वाइड अभी क्या बनता है ओए एक बॉल होगी मलक साहब एक बॉल 10 स्कोर एक बॉल होगी 10 स्कोर हो गया दो बॉल है पीछे दूसरी बॉल है और बाबर आजम जो है वो फ्रंट पे आ गया तो ये हुई दूसरी बॉल ओए अच्छा मलक साहब तीसरी बॉल होने वाली है तो अभी देखते हैं क्या बनता है ठीक है आउट है ओए नहीं हुआ आउट हमारा नेट है ना वो ठीक से चल ही नहीं रहा मैच तो अभी हम जाने के वापस घर ही तो घर जाके देखते हैं तो मेरी दो प्रिडिक्शन वो तो गलत होगी आगे मैं लगाऊंगा ही नहीं यहाँ पे भी लोग बैठे मैच देख रहे हैं यहाँ पे भी मैच चल रहा है बड़े स्पीकर लगा के वहाँ पे भी मैच चल रहा है यहाँ पे भी मैच चल रहा है यहाँ पे भी मैच चल रहा है बड़े स्पीकर लगा के बड़ी स्क्रीन लगा के यहाँ पे भी मैच चल रहा है यहाँ पे भी चल रहा है मैच यहाँ पे रश चेक करें यहाँ पे भी मैच चल रहा है बड़ी स्क्रीन लगा के मतलब इधर देख रहे हैं बड़ी स्क्रीन लगी हुई है यहाँ पे तो बड़ी स्क्रीन पे मैच लग रहा है और इतनी ज्यादा वार्म करी है यहाँ पे ऊपर भी चल रहा है मेरा ख्याल यहाँ पे भी मैच चल रहा है वो ऊपर छत पे भी मैच चल रहा है वो छत पे यहाँ पे भी मैच देखे जा रहा है ओके मलक साहब 18 बॉल पे 60 स्कोर चाहिए तो अभी हिसाब लगा लें मैच जो है ख़त्म हो चुका है फिलहाल तुम्हें पीछे बॉलर चला गए बाकी तकरीबन सारे आउट हो गए तो फिर भी हो पा था बेस्ट हो सकता है कोई नसीब शायद जैसा चल जाए और हिट वगैरह लगा दे लेकिन अभी कुछ सूरत हाल इस तरह की नज़र नहीं आ रही नहीं फिर भी यार हो फार द बेस्ट कितनी बॉल है 17-55 छोटे हाल खराब है नहीं खत्म मैच हो गया खत्म नसीम शाह के पे ऊपर उम्मीद थी वो भी आउट हो गया और ये बेचारा आदत भाई सदमे से नडाल बैठे हुए चले जी मैच हो गया खत्म और पाकिस्तान जो है वो हार चुका है तो वैसे जो श्रीलंका की टीम है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेली है तो वेल डन श्रीलंका बहुत प्यारा मैच था बस थोड़ा सा होता है बंदे को यार हमारी टीम जीतनी चाहिए लेकिन कोई नहीं गुड विशेज टू श्रीलंका टीम अभी टाइम हो गया तकरीबन 11 बज गए तो अभी मैं बैठ के व्लॉग वगैरह एडिट कर लूँ तो इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं इसी उम्मीद के साथ कि उम्मीद है आपको ये जो मेरा व्लॉग है अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब तब तक भी हाफिज़